राम राम। मैं भक्तराज राणा, तुम देख रहे हो अभय बखत की बात। बखत की बात खास करके अभय को समय में काका हुई बा के बारे में दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभय, विश्व भर COVID-19 महामारी एकदम चल रहो है, आदमी डरा रहे हैं, घर से बाहर ना निकल रहे हैं, सरकार लॉकडाउन को समय हफ्ता हफ्ता पीछू बढ़ाए जा रहे है, क्वारंटाइन में बैठे हुए आदमी डराए रहे हैं, उनके सही उपचार नहीं है, समय में खानो नहीं है, पानी नहीं है, कामदार मजदूर सवेरे से कमा के खान वाले आदमी के घर में चूल्हे बनने की समस्या ही रहो है, ऐसे करके विद्यार्थी को समस्या है, बेहोश हटपटा रहे हैं, किसान की फिर समस्या है, किसान उत्पादन कर रहे हैं, अपनो उत्पादन हो अन्न वाली के बेच ना पा रहे हैं, ये समस्या है। और जेह के बारे में हम जानकारी लेने के ताही धनगढ़ी उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 के वार्ड अध्यक्ष राजेंद्र राणा जी के हम संपर्क करे हैं, भी हमारे संपर्क में आए हैं, मैं उनके स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत है और राम राम है और अध्यक्ष साहब। राम राम, राम राम, धन्यवाद सर। और हाल खबर कैसी है? ठीक है सर, अपनी? कोरोना आपन को संसार भर फैलो है, आदमी जैसे डराए रहे हैं, तो जब कोरोना के बारे में बता दे बता जनता के। अब कोरोना के बारे में खास करके क्या है? हाँ। कि हमसे बहुत ही अबू विकास भय देश जो कोरोना जोन है, जो महामारी जोन फैलो है, जैसे कहीं क्या है कि विश्व के बड़े बड़े देश टक्कर ना ले पाए, रोकथाम ना कर पाए, आपको देश नेपाल जो कि उतनो सुविधा में संपन्न नहीं है, तो जाके मारे में जनता से ताका कहता हूँ कि यहाँ पर आपको नेपाल में जो सरकार को नियम है, नियम को पालना करन पड़ो, अपने जो लॉकडाउन को है, लॉकडाउन को फायदा न लेके अपने घर में बैठन भी अनुरोध करना चाहता हूँ जनता से, अपना तो अपना, अपने घर परिवार कुल समिति अपने देश के बचान जरूरी है, जो अभी मित्र देश इंडिया में बहुत से नेपाली भी होना पर फंसे हैं बेचारे, जो लॉकडाउन की वजह से आए ना पाए हैं। इंडिया में तमाम नेपाली लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं, तो उनके निकारण के ताही पर उपाय है कि ना आपने किया? इनके ताही एकदम प्रथम दिन मेयर साहब को और हमारे मुख्यमंत्री लगाए सिद्ध साहब को एक बैठक भी बैठ हो रहा है, बैठक में तो नेपाली अपने दादा भैया के ऐसे उद्देश्य निकालने करके और निकाल के बाद में उनके क्वारंटाइन में रख के उनके सही सलामत अपने नेपाल में लान करके बात चलन रखो है, लगभग लगभग दिन में शायद लान तहिन विश्राम तहिन अपने नेपाल के कोशिश जारी है। क्वारंटाइन में जैसे बैठे भाई आदमी है, तो आदमी के फिर समस्या है, सुन है जनता जान देते है की बिना के फिर तो समस्या हुई क्वारंटाइन में, उनके खान के नहीं है, दवाई नहीं है, जाको बारे में कैसे? मैंने दवाई के बारे में कहा है कि एक तो आपको जो क्वारंटाइन में बैठे भाई आदमी के कई मात्रा में आदमी के सेवा सुविधा कमी कमजोरी भाई है, वो के ताही हमें भी बहुत दुख लगो है, वो में कहा है की क्वारंटाइन में रखे वाले आदमी के कमती में खाना ताना अभी झींगा मतलब मक्खी काका पड़ी करके जो न्यूज में आ रहा है, वास्तव में जरूर सस्ता है, अथवा जो समन्वयकरण रटो है वो बेसिस के भी आदमी के ऐसा ना कर देना पड़ो करके मेरे एक सुझाव सलाह भी है। हम नगर धनगढ़ी उप महानगर पालिका भी राज्य भाई एकदम तत्पर है कि कमती में क्वारंटाइन में बैठे हुए आदमी के सर सफाई जिनको चाहिए औषधि जो भी है वो चाहिए पूर्ण रूप ले जिनके पान पड़ो करके हम लोग कहा है। हाँ, तो जैसे अपन के गांव में अपन के जनता जो है, तमाम आदमी के क्वारंटाइन के बारे में पता नहीं है, तमाम आदमी के बारे में जाते कैसे बचन पड़ता है, बाकी बारे में पता ना है, तो बता दे तो बचन के उपाय कैसे कहते हैं? बचन के उपाय का है कि मास्क के हिसाब से जो खांसत है, जैसे जो आदमी के लोग है वैक्सीन अब आदमी है तो अगर खांसी तो वो तुरंत सज जाए, हम भी मैं एक मीटर के दूर में थोड़ी तो दूर दूर के गैप में बैठ के कहीं जो भी आदमी अगर टोल सीमिटी में घर परिवार में भी होते हैं जहाँ तक दूर दूर बैठे हैं और सामाजिक दूरी बना हाँ,
दूरी बनावे और बाहर के आदमी जो है मिलते सामान्य मिलते मेल मिलाप ना करें, काहे की जा में अब आपन को एनडीसी रहे एनसिल भी बकायदा आपन फोन लगाते हैं तो फोन में बकायदा वो बनता है कि साबुन पानी ले हाथ धोनो चलते बकायदा कहाँ डटो है काहे की आपन को अब जिस कारण टाइम में जो रखते रहे जो आदमी से जिनके जो समस्या हो रहे पहले वो कहीं अब तक ना हुई है इसको जैसे लगता है मुझे तो जाके ताही आपन जन चेतना मूलक कार्यक्रम फिर करम जरूर यही को लागत है तो तुम आपन के ओड़ा में 10 नंबर ओड़ा में जन चेतना मूलक कोई कार्यक्रम हो है ना? जन चेतना मूलक कार्यक्रम से भी हम कहे कि अगले के बुक में कहीं फ्रीज में जैसे कि अब राहत के संबंध में हम सदस्य से लेकर हम समय कहीं सामान्य जाके भेंट घाट करके दूर दूर से जैसे गांव में कहीं ऐसे ऐसा है जैसे क्वारंटाइन कहते हैं जोन से रोग है जोन जैसे कहीं बचन चाहिए आप उनके बाहर के जो इंडिया आप उनको नाका है वो नाका से आप उनको जैसे कि पार इंडिया में आप उनके थरुआ सामुदायिक बहुत है कि हमारे जैसे कि इसे के लोहिया उसे जाना उसे के लोहिया उसे जाना वैसे कारण से आप उनको इष्ट मित्र रोटी 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 बेटी के संबंध आपन के है भारत और नेपाल के बीच में नेपाल की तो वो के चाहे लॉकडाउन के जो पालना है वो करना पड़ेगा और कहे की अपने गांव समाज भी बताना है आपको बताना है करके भी हम गांव में कहीं व्यापक हल्ला करे हैं तो राहत अपन बांट रहे हैं जो राहत को क्वांटिटी कैसे बांट रहे हैं अपन नेपाल सरकार जो उल्लेख करी रहे हैं बांटन बारो मात्रा बांट रहे हैं कि बात कम है कि बात ज्यादा है कैसे है? नहीं नहीं जो धनगढ़ी उप महानगर पालिका को मापदंड अनुसार में हम जोड़ है जो हम बैठक बैठो कार्यपालिका से कार्यपालिका निर्णय हो शुरू को छोटी 10 किलो तय अब से छोटी जोन 10 किलो पाई रहे वो 20 किलो पाव में तो है और जोन कहीं एक ना पाई रहे वो कितना 30 किलो दे रहे हैं छठे वर्ष कहीं 10 किलो ओवर करके दे रहे हैं जैसे अपन को मापदंड अनुसार लगभग लगभग राहत पुग रहे हैं पर यहाँ पर आवाज का उठ रही है कि जनता का पता पा रहे हैं कि जो राहत पान रहे वो सारा राहत ना पाए हैं और जो किसी को राहत वितरण हो रहे बा में अनियमितता है करके तमाम से सामाजिक संजाल में देखा पड़ी है जाके बारे में बता रहे हो अब क्या है कि अब जाने कैसे है कि अब जाने से खास करके अब एक समिति गठन हो है समिति में टोल टोल से बुद्धिजीवी समाज से भी और सभी दल के आदमी के बैठा के समिति गठन हो है समिति के आदमी चुनी है कितने टोल से कितो आदमी है सभी टोल अनुसार से हम हमें निर्देशन आओ की तुम एक समिति बनाओ समिति अनुसार से तुम कहे बुद्धिजीवी समाज से भी कौन कौन है तो कौन कौन टोल में जैसे कि जलाबारी करके खाते हैं कल सवेरे काम करी है तो संजय सिंह खरीद के लाइक ऐसे आदमी के सुने रहे हैं तो वो में अब के कमी कमजोरी भाई है समिति को भी समिति को अब क्या है कि एक भी आदमी भूल गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं ना बिल्कुल भी फिर समिति बैठा रहे हैं समिति बैठा के कौन कौन है तब अब लॉकडाउन जद्दा सब जो मैं कहा कि शुरू में तो कम रहे फिर अब समझ गो आदमी को जो राशन रहे जैसे कि 15 दिन को राशन भरी रहे अब जो अब अगर 56 दिन तो है तो वो के ताई हम फिर समिति बैठे हैं प्रथम दिना समिति बैठ के फिर सुने हैं अच्छा नेपाल सरकार को राहत को मापदंड कितना रहे अध्यक्ष साहब अब राहत को मापदंड क्या रहे कि अब शुरू को तो अब धनगढ़ी उप महानगर पालिका को अंतर्गत को 10 किलो चावल और वो में 1 लीटर तेल नून 1 पोका दाल 2 किलो को मापदंड रहे शुरू में धनगढ़ी 10 वड़ा नंबर में कई आदमी राहत प्राप्त करी है शुरू में कैसे हो रहा है सर हमारे 58 जने शुरू में चुने लगता खत्म हो जाए करके शुरू में 58 जने करे 58 जने में नापू के फिर 20 जने फिर थपे 20 जने फिर थपे तो हाँ तो थमने के बाद में फिर 58 फिर 10 जने फिर थपे 78 जने वो बहुत फिर 78 जने के हम बांधने के बाद में 10 किलो चावल और 1 किलो तेल 1 किलो नून 2 किलो दाल दे दें
आपकी छोटी क्या है कि सर डेढ़ अभी 20 किलो चावल अठहत्तर का नहीं है बल्कि 20 किलो चावल डेढ़ लीटर तेल एक मौका नून 2 किलो दाल और 2 किलो चीनी अब किसको और 4 मौका साबुन 4 बाकी साबुन तो अपन है 10 नंबर वाड़ा में 78 आदमी राहत पाई है और ज्यादा से ज्यादा कोई कितना आदमी ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा कैसे होगी ज्यादा से ज्यादा है 43 जने अभी थब फिर 113 जने हुए हैं टोटल तो इनके क्या करें हम नए आदमी के 30 किलो चावल 2 लीटर तेल 3 किलो दाल 2 किलो चीनी 2 पोका नून 4 पोका साबुन की व्यवस्था अवेलेबल है। आपने जो ओड़ा में 10 नंबर ओड़ा में जनता एकदम खुशी है तो राहत जब वितरण के बारे में अब अभी तक तो ठीक ठाक है इतना गुना है आज हम जो राहत माते हैं आज राहत में दो तीन आदमी को छुटो रहे वो के तय हम काट रहे हैं कि जो उनके पुगन जो उनके ना पुगड़ो है वे आदमी आए दिन पढ़ो जो उनको खाए वे आदमी कृपा है ना देव करके भी हम तय है कि उस दिन पढ़ो धनगढ़ी उप महानगर पालिका में अभी जो राहत के ताही लगभग 12,000 के देना है तो जाने का है कि प्रदेश सरकार 53 लाख रूपए 53 लाख कितने हजार तो धनगढ़ी उप महानगर पालिका बाकी 2 करोड़ कितने रूपए थप करी देगा तो अब राशन तो कैन पड़ो जनता तो भूखे वो होने लग गए। अब मेरे ओड़ा में क्या है सर मेरे ओड़ा में देखे थे अब जो कमैया मुक्ति वाले नहीं है 10 रूपए घोड़ा में दलित नहीं है जो है आपन के कैलाली कंचनपुर के कैलाली के रहना जो आपन के राय के रहना पूर्ण रूप से सब किस्तदार हैं और जो है ठाकुर जो मैं बताऊ सर 113 जन जो हम डाटा लिखा रहे हैं वे कहीं अब ज्यादादारी करके खान वाले आदमी कहीं हम लिस्ट लिखा रहे हैं लॉकडाउन आपन को जो समय जो जानकारी आ रही है कैसे है हाँ जी अब दिन बचे तक छपको जानकारी आ है जो आज से फिर भी कड़ाई करी है वे कहे की अब नेपालगंज में कहीं खूब अब 7 जने के वहाँ तो कर्फ्यू लग गया है वहाँ पर नेपालगंज में तो जाके वजह से कहा है कि मैं तो अब क्या कहना चाहता हूँ कि अब लॉकडाउन को कहीं मापदंड का है कि जनता अपने आप और अपने घर परिवार के भी बतान करो मैं पहले भी कहता हूँ अपने देश के बतान पढ़ो कहे कि बहुत से आदमी अपन के ना बुझ के भी इंडिया चले जाते हैं थरुआ में ना बुझ के जाते हैं तो मैं उनसे भी क्या अनुरोध करना चाहता हूँ कृपया अब कहीं मत जा लो अपने खेती किसानी है खेती किसानी को दूर मत करो घर परिवार बाहर और आदमी से संपर्क मत करो दूर से मत करो कहना चाहता हूँ मैं तो धनगढ़ी 10 वाड़ा नंबर में आपन के कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति है मैं क्वारंटाइन में 3 जने को पठाए सर हाँ 3 जने को पठाए सब मतलब वो ना देखो नेगेटिव तो आपन कह सकते है कि धनगढ़ी वाड़ा नंबर 10 धनगढ़ी उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 10 अभी तक सुरक्षित महसूस हो सकत है पर जहाँ अपन को अंतिम उपाय ना है जिसको लागत है और अब मैं थोड़ी कहना तुम्हें तुम राणा समुदाय से वड़ाध्यक्ष के रूप में रहे हो मैं थोड़ी कहना राणा समुदाय से जुड़े हुए प्रश्न करना चाहता हूँ जाके बारे में माफ करियो देखिए अपन खास करके राणा समुदाय में कहानी है 1 से 2, 2 से 3 भलो कहा थे अपन कोई भी काम के ताही पर आज एक ऐसा समय आई वो है वो अपन अलग अलग होन पड़ी है आज आदमी देख के डराए रहो है तो जा मैं तुम्हें कहा का है हमार राणा समुदाय के ताही तुम कुछ संदेश सुनना चाहते हो तेरे बारे में अब मैं जाके ताही तो एकदम मैं राणा समुदाय के काका हम जान रहा हूँ जा अभी को जो अभी कोरोना जो वायरस है वायरस की वजह से अपन के बचना सभी के जरूरी है जहाँ में कोई किस्म को जैसे कि कोई बुलाए है अथवा ना जा पाई घूमे कोई दिखावे ना है काहे कि मजबूरी है बाध्यता ही ना पड़ी काहे कि हर कोई के बात नो मतलब कि
अपनो घर परिवार बचाना चाहिए, मतलब आपन को थरुआ में क्या है कि थोड़ी लड़ाई उड़ाई हो जाते बुलाते हैं मनता अथवा बुद्धिजीवी समाज से भी बुलाते हैं, गाँव में क्या है कि अभी ऐसा माहौल है कि लड़ाई झगड़ा घर में मत करो कोई किस्म को, आराम से बैठो कोई किस्म को गलत चीज मत करो कहां कहां तुम्हारे जानकारी में वड़ा नंबर 10 में लॉकडाउन के समय में कोई चार पर्व आपन के रीति रिवाज से जुड़े भाई कोई संस्कार है? नहीं नहीं जो एकदम हम बंद कर गए चाहे कि आपन को जो अफिसर की तराई भी भाई तराई में सब मैं को इतने उतने कहीं ना जाए तराई में अपने घर में बैठे हैं सब गुल मिल को आपन भी तराई मनाए जा रहे हैं साहब भी तराई मनाए चैती तराई और एक बैठक की तराई कैसे मना सब घर में बनाए मिसौला बनाए के अपने घर में बैठ के खाए चाहे कि लॉकडाउन सरकार को जो आदेश है वो को पालना करना जरूरी है जरूरी है तो हम गांव में भी ऐसे करके हम कह रहे हैं तो चढ़ाए भी कोई भी किसी को आप जात रहे हैं पहले चढ़ाई कारण है ना उसे जाके सब भैया दीदी बहने आते रहे वो समय अभी को नहीं आ तो वो वजह से कहीं इजा पाली ना हो गए। हाँ राणा समुदाय खास करके भर्रा गौटे हर में जैसे विश्वास कर रहे हैं तो जैसे जब आपन को अब है कोरोना महामारी जो चल रहा है तो जैसे बचान के ताही आपन के समुदाय के आदमी भर्रा के बुलाए के हुई है कि गौटे हर के बुलाए के हुई है कि डॉक्टर हुआ कौन के हुआ जानकर नहीं नहीं तो एकदम करके अब भर्रा जो है अपन को हम भर्रा से भी कहते हैं जहाँ तक तुम जा गाँव से वो गाँव जैसे कि आप उनको धनगढ़ी उप महानगर पालिका है तो धनगढ़ी उप महानगर पालिका के भीतर ठीक है तो जैसे कंचनपुर में मत जाओ करके अब एक वो में से माहौल में कहीं करके एक दिन हमारे के भर्रा भी है बेचारे बुलाते हैं मैं आदमी जैसे कलवापुर जिला गए रहे हैं तो मुझसे पूछ कैसे कर रहा हूँ तो मैं तो अब मुंह बात देता हूँ अभी लॉकडाउन का समय है कैसे जाते जाऊँ कर देता हूँ तुम तो जहाँ कहने के बाद में फिर वे कंचनपुर भी कौन फॉर्म में गए जाना उनका उसे करके अब भर्रा आदमी कैसे उसे जाने पर जाता है वो वजह से कहीं और तो अभी तक ना गए सर ऐसे। ठीक है सर तुम हमारे जो कार्यक्रम वक्त की बात में आए दे अपन विचार धर दे राणा समुदाय के जनता के ताही जो एक विचार धरे हो वो तुम्हारे विचार एकदम महत्वपूर्ण हो गयी को कहते हैं अब मैं यहाँ से विदा होना चाहता हूँ और जो कार्यक्रम में तुम आए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद सर तुम सब परिवार के तुम्हारे टीम के बहुत बहुत धन्यवाद जो 10 नंबर ओड़ा के तुम विचार बात ओड़ा के बारे में पूछ गए ऐसे आगामी दिन में भी पूछत रही हो तुम्हें तुम्हारे परिवार तुम्हारे टीम के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वार्ड नंबर 10 की तरफ से सर सर ओके धन्यवाद।